मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी है वो भी प्रेस कर दो, ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, तो यार कल से एक खबर जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो है धूम सीरीज का दोस्तों चौथा पार्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि धूम सीरीज का जो तीसरा पार्ट था जिसमें आमिर खान दिखे थे आपको एजा चोर वाले कैरेक्टर में दोस्तों, जो कि 2012 दिसंबर के महीने में रिलीज हुई थी, लेकिन दोस्तों धूम फोर बनाने में YRF ने बहुत लेट कर दिए। करीब यार मतलब कि 2024 स्टार्ट हो गई है दोस्तों, मतलब कि 12-13 साल हो गए हैं इस मूवी को, इसके सीक्वल अभी तक आई नहीं है। लेकिन दोस्तों कल खबर ऐसी आई है कि बोले तो सलमान खान के जितने भी फैंस हैं उनके लिए तो यार ये गुड न्यूज़ है, और अक्षय कुमार और शाहरुख खान के फैंस के लिए बैड न्यूज़ है। देखो यार, रूमर्स तो बहुत आते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे रूमर्स आ जाते हैं जहाँ पे यार दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत साल पहले रूमर्स आ रहे थे कि अक्षय कुमार होंगे, अक्षय कुमार होंगे, अक्षय कुमार होंगे, उसके बाद शाहरुख खान कमबैक करता है बंदा, बोले तो पठान और जवान से, उसके बाद रूमर्स फिर आने लगते हैं कि अब अक्षय नहीं आएगा, अब आएगा भाई SRK, बोले तो शाहरुख खान आएगा, शाहरुख खान आएगा, शाहरुख खान आएगा। तो लेकिन आपको अब ये भी बता दूं दोस्तों, शाहरुख खान अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया है हमारे भाईजान बोले तो सलमान खान ने, और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आनी बाकी है, धूम सीरीज का हिस्सा सलमान खान रहेंगे, बाकी का मुझे पता नहीं। अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा होंगे कि नहीं होंगे, जय और अली का वो जो कॉम्बो था वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हालांकि आपको बता दूं कि YRF अगर धूम 4 बना रही है तो जय और जो अली का जो कॉम्बो था ना भाई, वो उनको रखना चाहिए। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को ना रिप्लेस नहीं करना चाहिए, अगर ये दोनों रिप्लेस हो गया ना भाई तो यार सीरीज में ना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभिषेक बच्चन और अली जो थे ना हमारे उदय चोपड़ा, ये दोनों का जो कॉम्बो था ना भाई, तीनों सीरीज में यार ज़बरदस्त था। तो प्लीज़ ये दोनों को चेंज मत करना, चोर चेंज करो चलेगा, लेकिन यार ये पुलिस इंस्पेक्टर है जय दीक्षित और अली, तो यार इसको चेंज मत करना। तो यार देखते हैं, अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, ये भी रूमर्स ही है, लेकिन आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी का जो अनाउंसमेंट आए धूम 4 का वो सलमान भाई को लेके ही न्यूज़ आए। दोस्तों तो गाइस, आपके हिसाब से क्या लगता है धूम सीरीज़ के लिए परफेक्ट एक्टर कौन है? आमिर खान तो नहीं रहेंगे क्योंकि वो तो डबल आमिर खान कूद गए थे, उड़ी मार गए थे ऊपर ब्रिज से, तो दोनों चल दिए। अभी अक्षय कुमार, शाहरुख खान और सलमान खान में टक्कर चल रही है, कंपटीशन चल रही है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है दोस्तों, कौन होनी चाहिए धूम सीरीज का हिस्सा, आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताओ यार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।